व्हील एंटरटेनमेंट का शेयर आज हमें 40% सर्ज होते हुए देखने मिला। बट वेट, मैं बाकी मतलब किसी की तरह मैं ये नहीं कहने वाला कि ये शेयर में तेजी आई है और ये तेजी का कारण क्या है। आई होप कि आपने ये न्यूज़ देख ली होगी, बट फिर भी मैं लास्ट में अपडेट दे दूंगा। मैं मेन वीडियो क्यों बनाया हूँ, मैंने आपको एक मेन वीडियो बनाया हूँ बिकॉज देखिए क्या होता है, हमेशा हर एक रिटेल इन्वेस्टर का ये स्वभाव होता है अंदर से, ह्यूमन साइकोलॉजी कह सकते हो आप, ह्यूमन इंस्टिंक्ट्स कह सकते हो आप। क्योंकि देखिए जो भी शेयर एकदम न्यूज में है, जो एकदम ऊपर बढ़ रहा है ना, हमने देखा कि अरे ये अभी इसका मैनेजमेंट हटने वाला है और ये शेयर 40% भाग गया। आप देखो एक दिन की अपर मूवमेंट है ये, आपको पता ही होगा एक दिन में इसने 40% की अपर मूवमेंट दी। बट वेट, अभी हम क्या करते हैं कि हमने इसको देखा कि 40% की अपर मूवमेंट दी और कई सारे लोगों ने मार्केट के टाइम पर या फिर कई सारे लोगों ने अभी न्यूज देखी और फिर बाद में इसको बाय कर लेंगे कल के दिन में। दोस्तों ये मत करना जरा भी, मैं ये नहीं कह रहा कि शेयर खराब है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट शेयर, ठीक है, शेयर अपनी जगह ठीक है, लेकिन मैं खाली एक ह्यूमन पर्सपेक्टिव बता रहा हूँ। वो जानना है तो आप वीडियो में रुक सकते हो, अगर आप एकदम पहले वाले एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर हो तो भी आप अग्री करोगे या नहीं करोगे वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। लेकिन ये देखो जो भी बिगनर रहता है ना, वो यही गलती करता है कि ये चीज़ दिखी तो हमने इसको बाय कर लिया। दोस्तों मैं आपको जरा भी ब्लेम नहीं कर रहा, दिस इज द ह्यूमन साइकोलॉजी और हर एक इन्वेस्टर कह लो, एक बिगनर कह लो, वो ये गलती से करता है एंड दैट इज वाई ये चैनल बना है ना। ये अगर आपको दिख रहा है 40% जो भागा है एक दिन में, वो 40% की अपर मूवमेंट दिख रही है ना, सो डोंट ट्राई टू चेज द स्टॉक। मैं ये नहीं कह रहा कि आगे नहीं बढ़ेगा, हो सकता है ये 400 पहुंच जाए, अभी 250 पर है, हो सकता है ये एक महीने में 500 पहुंच जाए, 100% रिटर्न्स दे दे, आई एम नॉट टेलिंग दैट। मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए हम है ना इन्वेस्टर्स है, आपको पहले जानना होगा कि आप ट्रेडर हो क्या, आप इन्वेस्टर हो, आपको पहले जानना होगा कि क्या आपने एक शेयर लिया तो आप कितने दिन के लिए वेट कर सकते हो, तो क्या आपको मतलब 2 दिन रखा शेयर को अंदर और फिर बाद में आपको अंदर से बेचैनी आने लगी कि यार क्या शेयर को रख दिया, मैं क्या करूँ, उसको सेल कर दूँ, ये कर दूँ। क्योंकि एक शेयर के साथ हुआ तो वो चलेगा, लेकिन हर एक शेयर के साथ हो रहा है मतलब आप थोड़ा सा ट्रेडर टाइप में आ गए, तो आपको वो अपना टाइप एनालाइज करना पड़ेगा, बाद में सोचना पड़ेगा। ये मैंने आपको इन्वेस्टर पर्सपेक्टिव से बताया, अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए सोच रहे हो तो आपको इन्वेस्टमेंट के लिए है ना बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती है, आपको फंडामेंटल्स तो देखने ही पड़ते हैं, न्यूज का इफेक्ट देखना पड़ता है, अभी मैनेजमेंट चेंज हुआ है मतलब मैनेजमेंट अभी हटाया गया है, अभी कौन सा नया मैनेजमेंट आएगा वी डोंट नो, ठीक है, और जब भी उसकी न्यूज भी आ जाएगी तभी भी हमें बाय नहीं करना है। अगर कोई नया मैनेजमेंट आ गया एंड वी डोंट नो कि उसकी एफिशिएंसी क्या है, बस वो नया मैनेजमेंट से एक्सपेक्ट ये किया जाता है कि पहले वाला जो मैनेजमेंट है ना उससे तो कम से कम थोड़ा सा अच्छा परफॉर्म करे। पहले वाले मैनेजमेंट को क्यों हटाया, बिकॉज वो लोग परफॉर्म नहीं कर रहे थे, तो हमें ये एक्सपेक्टेड रहता है कि नया वाला जो मैनेजमेंट आएगा वो थोड़ा सा एग्रेसिव नेचर का होगा, वो थोड़ा सा अच्छा परफॉर्म करेगा, और वो हटाने की बात कही गई है। आप देखोगे ये पूरा यहाँ पर आर्टिकल आपको मिल जाएगा एंड जस्ट आप एक बार रीड करोगे तो आपको पता चल जाएगा, इनके जो लार्जेस्ट शेयर होल्डर है इन्वेस्ट को तो उन्होंने यहाँ पर रिक्वेस्ट किया कि आप यहाँ से रिजाइन दे दो, तो यहाँ पर MD ने भी रिजाइन दे दिया और फिर बाद में 2-3 और भी हमें रेजिग्नेशन आते हुए देखे, और कई सारे इसके अंदर AGM से अपडेट वो सारी चीज़ें हैं। क्या पता है आगे जाके अभी 2 से 30% बढ़ जाए, 30-40% बढ़ जाए, और क्या डबल हो जाए दोस्तों, 600 तक पहुंच जाए, 1000 तक पहुंच जाए, आई डोंट केयर, आई एम एन इन्वेस्टर और मुझे बहुत सारी चीज़ों का ध्यान देना पड़ेगा, बिकॉज मैं 1 रुपये भी डाल रहा हूँ ना, मैं एक भी शेयर ले रहा हूँ ना, तभी भी मुझे एनालाइज करना है, बिकॉज ओके चलो मैंने इसके 100 शेयर ले लिए मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ा, लेकिन दोस्तों मुझे जो मतलब चलो मेरे पैसे तो गए वो चलेगा, लेकिन हमें नॉलेज नहीं जानी चाहिए, बिकॉज देखिए अगर आपके पैसे जा रहे हैं तो वो चलेगा, वो आगे आप कमा लोगे, करोड़ों रुपए कमा लोगे, उसकी बात नहीं है, बात इसकी है कि आपके पैसे गए, आपने कुछ इससे लर्निंग ली, क्या आपने कुछ सीखा। इसीलिए तो मैंने यहाँ पर एक मोटिव चालू किया है ना, अगर आपने किसी स्टॉक शेयर में यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया, अगर आपका शेयर डूब गया, फिर कुछ भी हो गया आपके साथ, कुछ भी हो गया, वो मेरे साथ शेयर करो इंस्टा पे DM में, या फिर कमेंट सेक्शन इज ऑलवेज ओपन फॉर यू, आई एम ऑलवेज जस्ट अ कमेंट अवे फ्रॉम यू। आपको जो भी डाउट है, आपको जो भी चीज़ है ना फ्री में अवेलेबल है, जो जितना हो सके सर्विस का फायदा उठाओ, बिकॉज आगे जाके जब ये चैनल ग्रो हो जाएगा ना, आई डोंट नो कि आगे जाके कितने लोग कमेंट करेंगे, एंड लाखों कमेंट्स मैं मतलब कर नहीं पाऊंगा, एंड मैं आपको कह रहा हूँ कि अब भी आपके पास बहुत टाइम है, बिकॉज आई एम प्रोवाइडिंग यू विद द फ्री इन्फॉर्मेशन एंड विद माई पास्ट एक्सपीरियंस, तो उसका फायदा लो। अभी चलते हैं न्यूज की तरफ, आपको बस एक शॉर्ट में बता देता हूँ कि ये देखिए 24% यहाँ पर बढ़ा है, वो न्यूज आई है देखिए 4 घंटे पहले, और अभी क्लोजिंग हुई 40% अप है, जिसने इधर भी बाय किया था ना यहाँ पर 30% में, तभी भी उसको 10% का प्रॉफिट है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपको 10% का प्रॉफिट है और अगर आपको शेयर के बारे में कुछ नहीं पता है ना, तो आप सेल करके निकल जाओ,
बिकॉज इट्स नॉट समथिंग कि आपने, हाँ ठीक है, अगर आप ट्रेडर हो, अगर आप थोड़े स्विंग ट्रेडर हो, मैंने 1 महीने के लिए बाय किया सर, सर मैंने तो 1 हफ्ते के लिए बाय किया, सर मैंने 1 दिन के लिए बाय किया, तो करो आप, आपको वो बराबर है। बट आप ये मत सोचो कि मैंने अभी इस लेवल पे बाय कर लिया, अच्छा मैनेजमेंट आएगा, मैं इसको बाय करके रख देता हूँ, फिर एक ही दिन शेयर नीचे गिरेगा। मैं ये शेयर की बात नहीं कर रहा हूँ, आई डोंट नो, मैंने इसके बारे में बात ही नहीं की है, मैंने जनरली एक ओवर द मार्केट, यहाँ पर पूरे मार्केट के बारे में बात की है। मुझे पता है कि आपको हर एक सोर्स से ये न्यूज़ पता ही चल गई होगी, बिकॉज न्यूज़ पे इसके चर्चे है ही, बट मैं जो आपको यहाँ पर शेप करने की कोशिश कर रहा हूँ वो यही कर रहा हूँ कि ये गलती मत करना। भले ही अगर रिलायंस वाला भी शेयर है ना, उसको भी आप बाय मत करना बिना नॉलेज के, बिकॉज कई सारे पैरामीटर्स रहते हैं, फंडामेंटल्स रहते हैं हमारे, टेक्निकल्स तो चलो शॉर्ट टर्म के लिए हुआ, लेकिन टेक्निकल्स भी रहते हैं। फंडामेंटल्स में हमें, हमने खाली प्रॉफिट देखा, नेट इनकम देखा, ये देखा वो देखा, बस ये फंडामेंटल्स नहीं होता है दोस्तों, उसकी पूरी कंपनी की हिस्ट्री निकालनी पड़ती है। और हमारे इंडिया में तो है ना नॉलेज की कमी है, ये मैं जनरल आपकी नॉलेज मेरी नॉलेज नहीं बोल रहा हूँ, इन्फॉर्मेशन जो कंपनी की तरफ से आती है उसकी कमी है एज कम्पेयर टू यूएस मार्केट्स। यूएस मार्केट्स में जो भी शेयर लिस्ट है, फॉर एग्जाम्पल एप्पल, एप्पल की जो भी नॉलेज है ना, जो भी चीज़ें हैं ना, सारी पब्लिकली मतलब एकदम अवेलेबल। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई भी चीज़ अवेलेबल नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा आपको मुश्किल से मिलेगी, या फिर कई सारी चीज़ें तो हो ही जाती है ऐसा। अगर आप यूएस मार्केट्स में देखोगे, एवरी इन्फॉर्मेशन इज इजीली एक्सेसिबल फॉर एवरी पर्सन। आप देखोगे कई सारे बिजनेस हाउसेस तो है ना खाली पार्टनर्स ही चलाते हैं, फैमिली पार्टनर्स, तो उनका डिसीजन हो जाता है, ये हो जाता है, एंड देन इट्स डन, पर जो मेजर डिसीजंस रहते हैं वो बाहर आते हैं। अब मैं ये जरा भी क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, मैं बस अपना व्यू दे रहा हूँ, मैं अपनी एक्सपीरियंस से बात कर रहा हूँ। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि बहुत सारे फंडामेंटल्स रहते हैं, खाली प्रॉफिट ग्रोथ देख के आप खाली, या फिर ये देख के उसमें एंट्री नहीं लेनी है। मैं आपको बस कह रहा हूँ कि ओके, अगर आपने एंट्री लिया, आपने फंडामेंटल्स देखा, वेरी गुड, और अगर आपने फंडामेंटल्स देख के एंट्री ली, शेयर लॉस में जा रहा है, सो यू शुड हैव अ फर्म बिलीव इन योर एनालिसिस कि मैंने एनालिसिस की है, आगे जाके बढ़ेगा, सो आपको पैनिक सेल नहीं करना है, बिकॉज इफ यू आर एन इन्वेस्टर यू आर कमिटेड टू इन्वेस्ट फॉर लॉन्ग टर्म। आप शॉर्ट टर्म में सेल नहीं कर सकते, या फिर आप ये भी नहीं कर सकते। अभी ये नया ट्रेंड आया है, अभी लोग क्या कहते हैं कि अभी देखिए मनी फ्लो इंडेक्स और आरएसआई ज्यादा ऊपर पहुंच गया है ना, तो अभी आप सेल कर दो, फिर जब शेयर नीचे आएगा, आरएसआई और मनी फ्लो इंडेक्स नीचे आएगा, मतलब शेयर नीचे आएगा ना, तब आप बाय कर लेना, तो और फिर बाद में फिर से ऊपर जाएगा मनी फ्लो इंडेक्स, तो फिर से सेल करके नीचे बाय कर लेना, मतलब जब शेयर एकदम टॉप पर लेवल पर है सेल कर दो, फिर नीचे गिरेगा जब शेयर, फिर बाद में ऊपर आएगा ना, तो इसको सेल कर देना, तो लोग ये भी कहते हैं। तो ये सारी चीजों पे हमें ध्यान नहीं देना है। तो ये लास्ट चीज थी, एंड इफ यू स्टिल हैव एनी डाउट, आई एम ऑलवेज जस्ट अ कमेंट अवे फ्रॉम यू। वीडियो को कंक्लूड करते हुए यही कहना चाहूंगा कि कमेंट सेक्शन इज ऑलवेज ओपन फॉर यू।